नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान का आगमन पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, अनुराग रंजन विधानसभा लालगंज की भावी प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी ने फूलमालाओं से स्वागत किया। वही मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह चौहान ने बताया कि हम पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उन लोगों का खूब आशीर्वाद मिल रहा है। जिस हिसाब से जन सैलाब उमड़ रहा है, यह एक बदलाव की आहट है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी और 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। इस अवसर पर अनुराग रंजन विधानसभा लालगंज के भावी प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी ने भी सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भरते हुए मिशन 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का वादा किया। सूट कर लीजिए। इसी के क्रम में आज आजमगढ़ के दौरा है और शुद्ध चाप 2022 में भाजपा गई और समाजवादी पार्टी आएगी। सर, जो आज का दौरा था वो कैसा रहा? सर, बहुत अच्छा रहा। सारे हमारे समाज के लोगों में बहुत उत्साह है। 2022 में समाजवादी पार्टी की 450 सीटें जीतेगी, जो सरकार आ रही है। ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुकम्मल बात हो चुकी है, मुकम्मल भागीदारी और हिस्सेदारी हम लोग को मिलेगी। ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के यात्रा कहाँ तक जानी है? सर, लखनऊ तक। लखनऊ।